सारांश के शुभारंभ में मैं कमल शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। तो मोल में क्या -क्या पढ़ेंगे और कैसे हम अपने देता हूं कि यहां हम बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत बेसिक सी बात करते हैं क्वांटिटी की है। उसी यूनिट को बोला मोल तो मोल इज बेसिक यूनिट टू तो रिप्रेजेंट द्वानी ऑफ मैटर वॉटर की डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर नीड 20 20 20 18 20 22 20 23 इन सब में ये क्वेश्चन आने के चांस터 हैं। अगर मैं इसे 10 टू दी पावर 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलियन में मिल जाएगा एक मिलियन में कितना प्रेजेंट है m1 v1 m1 v1 इज बेसिकली मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन m2 v2 जिंक की रिएक्शन एसिड के साथ कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है सॉल्ट बनाता है और गैस इवॉल्व करता है फटाफट रिएक्शन लिख लो टू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये मिलके देंगे टू वॉटर करेक्ट मोलैलिटी इज इक्वल टू वन थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी डिवाइडेड बाय वन थाउजेंड मल्टीप्लाईड बाय डेंसिटी माइनस मोलर मास ऑफ सल्यूट। ना पूछ कि मेरी कहा है अभी तो सफर का इरादा किया है ना हारूंगा हौसला जिंदगी भर भी, ना हौसला जिंदगी भर भी किसी और से नहीं खुद से मैंने ये वादा किया है क्या हाल है बच्चों एनसीआरटी सारांश के शुभारंभ में मैं कमल शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं तो यह हमारी एक शुरुआत है एनसीआरटी की निचोड़ की एनसीआर टी का कैसे एक क्रिस्प कंसाइज मैनर में आपको कंटेंट दिया जाए जो आपके नीट के सफर को और ज्यादा आरामदायक बना दे तो उसी की शुरुआत के पहले लेक्चर में आप सबका स्वागत है आज हम करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का आगाज जिस चैप्टर से पढ़ा जाता है समझा जाता है जिससे फिजिकल केमिस्ट्री का बेस बनता है मोल कॉन्सेप्ट तो मोल कॉन्सेप्ट में क्या क्या बातें पढ़ेंगे और कैसे हम अपने इस चैप्टर को या इस पूरे टर्न को लेके जाने वाले इस पूरे कोर्स को हम कैसे लेके जाने वाले उसका एक ब्रीफ आइडिया देता हूं ज्यादातर दे चैप्टर में बच्चों हम लोग कोशिश ये करेंगे कि चैप्टर आपने बेसिक पढ़ा हुआ है तो उसका एक फॉर्मूला थ्योरी या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का रिविजन हो और बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो तो कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा मदद मिले ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिले ये हमारा गोल है तो शुरुआत करते हैं मोल कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि यहां पे हम बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री की बात है, उसी को वहां पे हमें मोल कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है मोल कॉन्सेप्ट ऐसी भी चीज नहीं है किसको पढ़ा और काम हो गया ये ऐसी चीज है जिसको पढ़ा और आगे की चीजों में अप्लाई किया तो क्वांटिटी मेजर करने के अलग अलग तरीके पहले से थे हमारे पास मास जो हमें मैटर कंटेंट बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास कितना मैटर है को बच्चों हम लोग दिखा सकते हैं ग्राम में किलोग्राम में मिलीग्राम में, मिली में क्विंटल में टन में अलग अलग यूनिट में दिखा सकते हैं यूनिट बहुत मैटर करती जब भी हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं वॉल्यूम जिसका सिंपल सा मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो हमारे यूनिवर्स में से कितनी जगह पे रेंट पे रह रहा है कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है इसको बोलते हैं वॉल्यूम जिसको हम लोग लीटर मिलीलीटर सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब अलग अलग यूनिट में दिखाते हैं नंबर ऑफ यूनिट का सिंपल सा मतलब है कितने पार्टिकल्स हैं एंड डेंसिटी इज बेसिकली मास बाय वॉल्यूम तो ध्यान रखना कि जब भी तुम्हें किसी क्वेश्चन में डेंसिटी दी जाती है या डेंसिटी पूछी जाती है वो बेसिकली वॉल्यूम एनालिसिस के लिए पूछी जाती है किसके लिए पूछी जाती है वॉल्यूम एनालिसिस के लिए कि जहां भी वॉल्यूम के एनालिसिस करनी हो ऐसा क्यों क्योंकि वॉल्यूम के हमेशा दो पार्ट होते हैं सॉलिड या लिक्विड की वॉल्यूम क्योंकि सॉलिड और लिक्विड कंटेनर के अकॉर्डिंग खुद का साइज नहीं बदलते हैं सॉलिड लिक्विड का साइज फिक्स है वॉल्यूम फिक्स है तो सॉलिड लिक्विड के लिए तो भैया हमें हमेशा यूज करनी है डेंसिटी लेकिन जब गैसेस की बात आती है तो गैसेस कंटेनर के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग अपना साइज बदलता है तो गैस के लिए डेंसिटी अगर दी है तो अच्छी बात है अदरवाइज गैस की वॉल्यूम निकाली जाती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से यानी कि दिए गए टेम्परेचर दिए गए प्रेशर पे गैस की वॉल्यूम को लिखा पढ़ा समझा जाता है तो ये बात है वो पहले से क्वांटिटी जिनको हम जानते हैं फिर नई क्वांटिटी कौन सी बनी मोल तो मोल भी क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट करने का तरीका है मोल की जरूरत क्यों पड़ी क्योंकि हम केमिस्ट्री में जाते हैं जब हम पार्टिकल के अंदर जाते हैं मैटर के अंदर जाते हैं तो छोटे छोटे एटम मॉलिक्यूल आय इनके लिए मास बहुत कम है वॉल्यूम बहुत कम है और नंबर में डील करें तो बहुत ज्यादा है तो या तो हमारी कॉमन क्वांटिटी जरूरत से ज्यादा छोटी हो रही थी या कॉमन क्वांटिटी जरूरत से ज्यादा बड़ी हो रही थी तो सोल्यूशन क्या निकाला कि एक नई यूनिट डिफाइन कर लेते हैं उसी यूनिट को क्या बोला मोल उसी यूनिट को बोला मोल सो so, मोल इज बेसिक यूनिट रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ मैटर जैसे किलोग्राम की जब भी क्वांटिटी तो बन जानी चाहिए दिमाग में फाइव मोल लिक्विड बोलना उसकी क्वांटिटी दिमाग में बनेगी टू मोल गैस बोलना तो उसकी भी क्वांटिटी दिमाग में बनेगी दूसरी सबसे जरूरी बात जो मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में हमेशा बोलता हूं कि यहां पे दो तरीके हैं पढ़ने के एक ये कि हर क्वेश्चन में तरीका बदलो हर क्वेश्चन में तरीका ही बदल दो या फिर एक ये एक तरीके को समझो उसको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में अप्लाई करके उस पे महारत हासिल कर लो हमेशा दूसरा तरीका ज्यादा फायदेमंद है दूसरा तरीका तुम लोग के लिए ज्यादा फायदेमंद है तो मोल को समझने के लिए पहले मोलर डिफाइन किया गया मोलर का मतलब क्या है एक मोल में कितना है मोलर का मतलब एक मोल में कितना है तो किसी भी मैटर की क्वांटिटी जो एक मोल के अंदर उसको बोला गया मोलर जैसे मोलर मास की अगर बात की जाए तो एक मोल का मास यूनिट क्या होगी ग्राम पर मोल किसी भी मोलर क्वांटिटी की यूनिट में पर मोल आएगा यानी मोलर हमेशा बताता है एक में क्योंकि जब मुझे एक में पता है सपोज मैं कह दू एक मोल में पांच ग्राम है तो दो मोल में कितने होंगे दस ग्राम तीन मोल में कितने होंगे पंद्रह ग्राम तो जब एक का आइडिया तभी हम जनरल बात कर सकते तो किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन करते समय तो एक को डिफाइन करना जरूरी हो जाता है मोलर वॉल्यूम एक मोल की वॉल्यूम इसकी यूनिट क्या होगी लीटर पर मोल मिलीलीटर पर मोल जैसे गैस के लिए हमें पता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे गैस की मोलर वॉल्यूम होती है ट्वेंटी लीटर पर मोल मोलर मास को आगे चलकर हम रिप्रेजेंट करेंगे m बार से मोलर वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेंगे v बार से मोलर यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेंगे एवोगाड्रो नंबर से मोलर यूनिट का मतलब एक मोल में कितने पार्टिकल प्रेजेंट है वो एटम हो सकता है मॉलिक्यूल हो सकता है आयन हो सकता है कोई सा भी पार्टिकल हो सकता है तो इसकी यूनिट होती है पर मोल पार्टिकल्स पर मोल पार्टिकल्स पर मोल एसटीपी का मतलब क्या हो गया

सॉलिड तो और लिक्विड के लिए जब भी वॉल्यूम एनालिसिस करनी है हमेशा डेंसिटी का यूज करना है हमेशा किसका यूज करना है डेंसिटी का अब सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में तीन चार डायग्राम है जिस पर पूरा चैप्टर सॉल्व होता है सबसे इंपॉर्टेंट मोल कन्वर्जन मोल कन्वर्जन कैसे करते हैं कि हमारे पास चार बेसिक यूनिट है मोल को समझने की मोल अनदर मास वॉल्यूम ऑफ गैस सॉलिड या लिक्विड के लिए वॉल्यूम पे जाना है तो अगेन मास फिर डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम अभी हम गैस के लिए सिर्फ एस पे बात करेंगे आगे चल के जब गैस इक्वेशन पढ़ लेंगे तो पीवी टू एनआरटी पे भी बात की जाएगी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं नंबर ऑफ आयन भी हो सकते हैं और हमारा बीच सेंटर में बैठा है मोल तो सिंपल सा लॉजिक कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज से मोल को फाइंड आउट करना है तो वन मोल की क्वांटिटी से डिवाइड कर दो यानी निकालना है मोल निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवेगेंट्रो नंबर वॉल्यूम से मोल निकालना है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर्स तो हमें जिस भी चीज से मोल निकालना है उसी से हम वन मोल की क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं वन मोल की क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं और अगर डिवाइड के उल्टी डायरेक्शन में जाना है तो मल्टीप्लाई यानी अगर मोल से मास की तरफ जाना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई ध्यान रखना जिसकी बात है उसी का मोल उसी का मास उसी का सपोज सल्फर डाइऑक्साइड की बात हुई तो सल्फर डाइऑक्साइड के मोल सल्फर डाइऑक्साइड का मास सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास ऐसे ही मोल से नंबर की तरफ जाना है तो है नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे मोल से से वॉल्यूम ऑफ गैस की तरफ जाना है तो लीटर मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या बातें समझ में आती है यहां से? कि वॉल्यूम ऑफ गैस लीटर में रखी जाएगी हमेशा मास ऑफ सब्सटेंस ग्राम में रखा जाएगा और नंबर तो नंबर में रहेगा तो ये बेसिक सबसे पहला कन्वर्जन डायग्राम है इसे वाई डायग्राम मोल कन्वर्जन डायग्राम मैं इसे आइलैंड डायग्राम कहता हूं कि इसकी मदद से तुम्हें समझ में आना चाहिए क्वेश्चन का कि जब भी तुम्हें क्वांटिटी कन्वर्जन करना है ये डायग्राम क्या बताता है ये डायग्राम बताता है क्वांटिटी का कन्वर्जन तो जब भी तुम्हें क्वांटिटी कन्वर्जन करना है तुम्हें ये डायग्राम यूज करना है यानी मान लो तुम्हें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं तुम्हें मास निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय अवेगेगा मोल दे देगा मोल डिवाइडेड मोल मल्टीप्लाइड और इतना इजिली ये डायग्राम याद हो सकता है कि मोल की तरफ जब भी आओगे डिवाइड करके आओगे यानी जब भी मोल फाइंड आउट करोगे डिवाइड करके करोगे और जब भी मोल से कुछ और फाइंड आउट करोगे मल्टीप्लाई करके करोगे मोल से आगे जाना है मल्टीप्लाई मोल की तरफ आना है डिवाइड सपोज मुझे मास से वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड बाय मोलर मास मोल आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 22.4 वॉल्यूम आ जाएगा सेकेंड डायग्राम जिसकी हमें जरूरत पड़ती है मोल एनालिसिस में वो होता है इंफॉर्मेशन कन्वर्जन कौन सी इंफॉर्मेशन का कन्वर्जन ऑफ होम जब हमें सोर्स को ही बदल देना है जहां भी तुम्हें क्वेश्चन में लगे एटम टू पार्टिकल पार्टिकल से एटम एटम से मॉलिक्यूल आयन आयन से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मतलब जब भी तुम्हें इंफॉर्मेशन में ये बात बदलनी हो किसकी इंफॉर्मेशन किसकी इंफॉर्मेशन की बात बदलनी हो डायग्राम यूज होगा मोल ऑफ और ये डायग्राम सिर्फ मोल पे लगाना सिर्फ मोल पे ही लगाना तो फायदे में रहोगे मोल ऑफ एटम एटम का सिंपल मतलब छोटा वाला जो भी छोटा वाला चीज है और मोल ऑफ मॉलिक्यूल एटम और मॉलिक्यूल में छोटा कौन होता है छोटा होता है एटम बड़ा होता है मॉलिक्यूल तो ऐसे ही याद रखना इसको आगे के लिए कि अगर तुम्हें बड़े से छोटे की तरफ आना है तो मल्टीप्लाई करोगे एटोमिसिटी से किससे मल्टीप्लाई करोगे से जब तुम्हें छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो डिवाइड करोगे किससे डिवाइड करोगे उसी छोटे की एटोमिसिटी से यह बहुत इंपॉर्टेंस लगता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो और किसकी इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हो ये बात समझ गए तो चैप्टर बहुत आसान होगा एटोमिसिटी का मतलब एक में कितना एटोमिसिटी का मतलब एक में कितना जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल से दिखाता हूं इस बात को तो समझ में ज्यादा बेटर आएगा जैसे मेरे पास दो मोल अमोनिया है ठीक है मुझे इसमें मान लो नाइट्रोजन हाइड्रोजन किसकी बात हो रही है अमोनिया की बात हो रही है इसमें से मुझे पता करना है इलेक्ट्रॉन तो पहले देखो एक अमोनिया में कितने इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन में सात हर हाइड्रोजन में एक टोटल दस इलेक्ट्रॉन एक में कितने दस अब अमोनिया बड़ा इलेक्ट्रॉन बड़ा अमोनिया बड़े से छोटे आना है मल्टीप्लाई छोटे से बड़े जाना है डिवाइड अमोनिया बड़े बड़े से छोटे की तरफ आना है तो अगर मैं इस दो में टेन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यह बन जाएगा ट्वेंटी मोल इलेक्ट्रॉन क्या बन गया ट्वेंटी मोल इलेक्ट्रॉन क्या मेरी क्वांटिटी बदली नहीं क्वांटिटी मोल में थी अभी भी मोल में ध्यान रखो जब भी तुम्हें क्वांटिटी बदलनी हो पहला डायग्राम क्या मेरी क्वांटिटी बदली नहीं मोल का मोल ही रहा बदला क्या पहले मोल थे अमोनिया के किसका वर्ड बदल रहा है पहले मोल थे अमोनिया के अब मोल हो गए इलेक्ट्रॉन के तो जब भी हमें यह बात बदलनी हो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? किस का बात बदलना पड़ेगा तो एटोमिसिटी की जरूरत पड़ेगी एटोमिसिटी का मतलब एक में कितना है यह हुआ दूसरा डायग्राम तीसरा डायग्राम आता है स्टोशियोमेट्रिक एनालिसिस का स्टोशियोमेट्रिक का मतलब क्या है बैलेंस इक्वेशन में क्वांटिटी को समझना एक बैलेंस्ड रिएक्शन में क्वांटिटी को समझना क्योंकि तुम सब अब अपने पढ़ाई के आखिरी स्टेज में हो तो अब मुझे लगता है कि कम से कम रिएक्शन लिखने में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर रिएक्शन लिखने में दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब अभी हमें और मेहनत करनी है अभी क्रैश कोर्स शॉर्ट कोर्स फास्ट कोर्स ट्रैक कोर्स इन सब से काम नहीं चलेगा अभी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तो रिएक्शन अगर लिख पाते हो रिएक्शन को बैलेंस कर पाते हो तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जितने भी मोल रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे एक जितने भी मोल रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे बी के उस रिजल्ट से जितने भी मोल सी के बनेंगे और जितने भी मोल डी के बनेंगे इन सबका रेशियो कॉफिशियंट के अकॉर्डिंग होगा यानी कि मोल डिवाइडेड बाय कॉफिशियंट मोल डिवाइडेड बाय कॉफिशियंट मोल डिवाइडेड बाय कॉफिशियंट मोल डिवाइडेड बाय कॉफिशियंट सबके लिए बराबर होगा क्या होगा सबके लिए सबके लिए बराबर होगा तो ये आ गया हमारा तीसरा डायग्राम समझ पाए बात पा? मोल हमेशा रेशियो में होते हैं अब मोल में ही क्यों पढ़ रहे क्योंकि मोल से मास वॉल्यूम नंबर जो भी कन्वर्जन करना उसके लिए चले जाएंगे डायग्राम नंबर वन पे तो पूरा मोल ये कॉन्सेप्टीन डायग्राम से सॉल्व होता है मोल कन्वर्जन मोल एनालिसिस ये सब तीन डायग्राम से होगा इसके बाद एक और डायग्राम कॉन्सेंट्रेशन के लिए और एक डायग्राम इंपेरिकल पूरा चैप्टर खत्म होगा बस तुम्हें क्वेश्चन को समझना है क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है अच्छे से सॉल्व करना है इसी में लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आता है लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है कोई भी ऐसा रिएजेंट जो पूरी तरह से खत्म होगा पता कैसे चलेगा पूरी तरह से खत्म होगा तो रिएक्शन को कंट्रोल करेगा प्रोडक्ट का अमाउंट कम बनाएगा और लिमिटिंग रिएजेंट वहीं पे समझना पड़ना है जहां पे एक से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्टेंट की बात हो क्योंकि जब एक दिया तो हमें क्या पता दूसरा कितना है उसी को मान के चलेंगे वही खत्म हुआ होगा एक से ज्यादा रिएक्टेंट दिया तो हमें पता अच्छा ये इतना है ये इतना है हो सकता है ये पहले खत्म हो जाए हो सकता है वो पहले खत्म हो जाए तो जब किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट दिया हो तभी तुम्हें उनके मोल के रेशियो को कंपेयर करना है इन दोनों रेशियो में से जो भी छोटा होगा जो भी क्या होगा छोटा होगा वो बन जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट जो भी छोटा होगा बच्चों वही क्या बन जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट तो लिमिटिंग रिएजेंट को ऐसे समझा जाएगा जरा देखो कुछ क्वेश्चन समझते हैं जो नीट ज्यादा पूछता है अब तुम्हारे लिए फायदे की बात बता रहा हूं ध्यान से सुनना पूरा चैप्टर हजार बार पढ़ लो पूरा चैप्टर दस हजार बार पढ़ लो तब तक फायदा नहीं होगा जब तक तुम्हें पता नहीं कि एग्जाम क्या पूछेगा मोल कॉन्सेप्ट में सिग्निफिकेंट फिगर भी है एक्यूरेसी भी है बेसिक डेफिनेशन भी है एटॉमिक मास कहां से आया एवरेज एटॉमिक मास आइसोटोप का कहां से आया वो क्वेश्चन आए कब है कब आए हैं वो क्वेश्चन नीट एग्जाम में ये भी तो मैटर करता है क्या पिछले दस बारह साल में पूछे गए नहीं पूछे गए तो इंपॉर्टेंस कम है पिछले दस बारह साल में कैसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए ऐसे ज्यादा पूछे गए वैसे क्वेश्चन का भी हम क्वेश्चन सेशन में डिस्कशन करेंगे वहीं पे वो कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा सिग्निफिकेंट फिगर एवरेज एटॉमिक मास ये सब वहीं पे सिखाऊंगा अभी नहीं। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं ध्यान देना कैसे सॉल्व करेंगे कहां से बढ़ेंगे मैक्सिमम नंबर कहा मॉलिक्यूल बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या होता है कुछ बातें कुछ इधर उधर की छोटी मगर मोटी बातें बाय डिफॉल्ट हमेशा हम मॉलिक्यूल को लेके चलते हैं ठीक है अगर कभी मास हमें एमयू में दिया जाए तो एमयू भी मास की यूनिट है उसको सिंपली ग्राम में बदल लो और फिर जैसे मास के लिए पढ़ते हैं मास से मोल कैसे निकालते हैं कैसे लगाते हैं बिल्कुल वही काम एमयू पे कर दो एमयू से बच्चे डरते हैं कि एमयू वाले क्वेश्चन में अटक जाते हैं एमयू कुछ अलग नहीं है एमयू सिर्फ मास की यूनिट है अटोमिक मास यूनिट तो अगर कभी भी मास में दिया तो उसको ग्राम में बदलो आगे बढ़ो थर्ड चीज क्वेश्चन में ये मैटर करता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं अभी किसके बारे में दिया मॉलिक्यूल के बारे में तो देखो ऑप्शन ए में मैं क्या करूंगा वन ग्राम किसके हैं सिल्वर के तो मास है ग्राम मतलब मास डिवाइड किया मैंने इसको एटॉमिक मास से मोलर मास से तो ये बन गया मोल mole. मॉलिक्यूल नहीं चाहिए एटम चाहिए यहां पे एटम कितने एक तो एक से ही मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया एटम के मोल एक में कितने एटम है एक फिर मोल से नंबर तो एवेगेड्रो से मल्टीप्लाई किया ऑब्वियसली जिसका मोल ज्यादा होगा उसके नंबर भी ज्यादा होंगे जिसका मोल ज्यादा होगा उसके नंबर भी ज्यादा होंगे ऐसे बी ऑप्शन देखो वन बाय ट्वेंटी फोर मोल हो गए एटोमिसिटी वन हो गई फिर एनए से मल्टीप्लाई किया यानी एटम कितना आ गया एन ए बाय ट्वेंटी फोर ऐसे ऑप्शन सी में देखो वन ग्राम ओ टू है तो ओ टू का मास ले लो वन बाय थर्टी टू फिर इसमें क्या करेंगे वन बाय थर्टी टू आप देखो दो से मल्टीप्लाई करना फायदा हुआ या नहीं हुआ तो इसीलिए एटोमिसिटी ऐसा नहीं कि हर जगह यूज हो लेकिन जहां यूज होगा वहां मिस कर जाओगे अगर प्रैक्टिस में नहीं होगा दो से मल्टीप्लाई क्यों किया क्योंकि ये मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल है पूछा क्या गया एटम मॉलिक्यूल से आइटम जाना है मल्टीप्लाई करके जाएंगे जब इंफॉर्मेशन का किसका बदलना है मल्टीप्लाई करना है तो ये आ गया एन ए डिनोमिनेटर सबसे कम उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम आ गए ऑप्शन डी में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम बच्चा लोग किसमें आ गया ऑप्शन डी में तो इस तरह से हमें मोल एनालिसिस में क्वांटिटी कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है कैसे पता है यहां पे क्वांटिटी कन्वर्जन है क्योंकि मास दिया हमें क्या दिया मास दिया गया और नंबर पूछा गया तो समझ गए डायग्राम नंबर वन और टू की जरूरत पड़ेगी ऐसे ये क्वेश्चन इन विच केस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वॉटर वॉटर क्या है मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल दिया है मॉलिक्यूल पूछा गया क्या क्या दिया गया एटीन एम एल कुछ नहीं बोला गया लिक्विड लिक्विड के लिए वॉल्यूम डेंसिटी वाटर की डेंसिटी याद होनी चाहिए वाटर की डेंसिटी याद होनी चाहिए कितनी होती है वन ग्राम पर एम एल वॉटर की डेंसिटी कितनी होती है ग्राम तो पर तो फटाफट हमें बात पता चली कि अगर 18 है इसका मतलब नंबर ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल कैसे आएंगे पहले इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया एटीन ग्राम फिर इसको वॉटर के मास से डिवाइड किया मोल फिर इसको एवेगेडो से मल्टीप्लाई किया मॉलिक्यूल आ गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स समझ पाए ऐसे अगेन मास दिया है 0.18 इसको मोलर मास से डिवाइड किया फिर इसको एवेगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया ये बन गया मॉलिक्यूल वेपर्स यानी गैस एस तो गैस के लिए एस पे दिया है तो कितना है लीटर में ओके इसको डिवाइड किया लीटर को किससे डिवाइड किया 22.4 से तो एक दो तीन चार टेन टू तो दी पावर माइनस फोर मोल फिर एवेगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई ये बन गए मॉलिक्यूल्स ये सीधे सीधे मोल दिया एवेगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई सीधे सीधे मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किस में दिख रहे हैं पहले ऑप्शन में पहला ऑप्शन आंसर हो गया नीट ट्वेंटी 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 टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इन सब में ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं हो सकता है इस बार ऐसा क्वेश्चन तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट दिख जाए तो ये क्वेश्चन बेसिक है सिंपल है इंपॉर्टेंट भी है बेसिक सिंपल होना इश्यू नहीं है इंपॉर्टेंट होना इंपॉर्टेंट है ऐसा क्वेश्चन नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम अमोनिया देखो ये अमोनिया क्या है मॉलिक्यूल नंबर क्या निकालना है एटम का मॉलिक्यूल से एटम समझ जाओ एटोमिसिटी की जरूरत पड़ने वाली है पहले हर क्वेश्चन का एक उसूल है इस चैप्टर में जितना भी जो भी टॉपिक पढ़ोगे इंपेरिकल फॉर्मूला कॉन्सेंट्रेशन मोल सबका एक उसूल है कोई भी इंफॉर्मेशन दी हो पहले मोल पताएंगे कोई भी इंफॉर्मेशन पूछी गई तो पहले मोल की इंफॉर्मेशन पे जाएंगे तो पहले डिवाइड किया मोलर मास से ये आ गए अमोनिया के मोल अब हमें किसका बदलना है अमोनिया से बात करनी है एटम पे एक अमोनिया में कितने एटम है एक तीन चार ये आ जाएगा चार चक्का सोलह तो चार से मल्टीप्लाई किया जैसे ही मैंने टोटल एटम से मल्टीप्लाई किया ये बन गया टोटल एटम्स के मोल मॉलिक्यूल से आ गया एटम की तरफ आगे से मल्टीप्लाई करके तो वन मोल एटम नंबर कितने हो गए से मल्टीप्लाई यानी कि सिक्स इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री सिक्स इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री ये आगे हमारे सीधे सीधे नंबर नंबर ऑफ ऑफ एटम्स एटम्स फिर से ऐसे क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन अब ये क्वेश्चन देखो लीटर लीटर ये कौन सी गैस है चलो एन टू मान लेते हैं लीटर लीटर ग्राम ग्राम लीटर के लिए अब अगर दिमाग में प्रोसेस बैठ गई होगी बच्चों तो तुम्हें सीधे पता है क्योंकि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल तो एटोमिसिटी की जरूरत नहीं तो मैं सीधे पता है कि हम यहां पे क्या काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं 0.5 फाइव ग्राम है तो मोलर मास से डिवाइड दस ग्राम है तो मोलर मास से डिवाइड तो ये मुझे सीधे सीधे एक बटा चार मिल रहा है ये कम मिल रहा है सॉल्व करोगे ऑप्शन सी में सबसे ज्यादा आ जाएंगे ऑप्शन सी में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन नीट में कई बार पूछे यानी ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है

एटम की इंफॉर्मेशन गिवन है जाना किधर की तरफ है मॉलिक्यूल की तरफ जाना है तो एटम से मॉलिक्यूल जाने का रास्ता डिवाइड करके। तो देखो 0.25 मोल किस एटम के हैं? ऑक्सीजन एटम के तो क्या किया जाए ऑक्सीजन की एटोमिसिटी देखो कितनी है चार इंटू टू एट ऑक्सीजन की एटोमिसिटी एट तो ये है वन बाई फोर इसको डिवाइड किया जाएगा एट से तो ये बन जाएगा मोल किसके पूरे मॉलिक्यूल के पूरे मॉलिक्यूल के वन बाय थर्टी टू जीरो पॉइंट जीरो थ्री वन टू फाइव ये आ गया आंसर तो समझ में आया हमें मोल कन्वर्जन कैसे करना है कैसे हमें एक इंफॉर्मेशन से दूसरी इंफॉर्मेशन जाना पूरा चैप्टर ये पूरा डिस्कशन इंफॉर्मेशन के कन्वर्जन का है इंफॉर्मेशन को एक जगह से उठा के दूसरी जगह में बदलने का है अगली जो बात आती है वो आता है बच्चों सल्यूशन के बारे में कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम सल्यूशन में पढ़ेंगे एंड वॉट इज अल्यूशन सोल्यूशन इज नथिंग बट अ होमोजीनियस मिक्सचर जब हम दो या दो से ज्यादा चीजों को होमोजीनियसली मिला देते हैं तो ऐसे मिक्सचर को कहा जाता है सोल्यूशन क्या कहा जाता है सल्यूशन सल्यूशन कई सारे टाइप का होता है जैसे कोलाइडल सोल्यूशन जो सर्फिस केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है सस्पेंशन एंड ट्रू सोल्यूशन जब भी हम होमोजीनियस की बात करेंगे दो कॉम्पोन होते हैं सोल्वेंट जो सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है और बचे हुए सारी चीजों को सोलवेंट के अलावा जितनी भी चीज है उनको कहा जाता है सोल्यूट हम बाइनरी सोल्यूशन के बारे में मोस्टली पढ़ते हैं बाइनरी का मतलब जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट होंगे एक सोल्यूट होगा और एक ही सॉल्वेंट होगा यानी हम एक ऐसे सल्यूशन पे ज्यादा फोकस हैं जिसमें सिर्फ एक ही सॉल्वेंट है और एक ही सल्यूट है एक से ज्यादा सल्यूट वाले सोल्यूशन ज्यादा ऑब्जर्व नहीं किए जाते ज्यादा ऑब्जर्व नहीं किए जाते कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है कॉन्सेंट्रेशन का सिंपल मतलब है स्ट्रेंथ सल्यूशन की पावर सोल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन मतलब पावरफुल सोल्यूशन डायल्यूटेड सोल्यूशन मतलब वीक सोल्यूशन तो कॉन्सेंट्रेशन बताता है क्या है सल्यूट का अमाउंट ये अमाउंट अलग अलग यूनिट में हो सकता है मास मोल वॉल्यूम नंबर किसी भी तरह से हो सकता है तो अम कितना अमाउंट डिजॉल्व है कितने अमाउंट में एट अ गिवन टेम्परेचर तो कॉन्सेंट्रेशन का जो जनरल फॉर्मूला होता है कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करता है एक रेशियो को एंड दैट रेशियो इज ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट तुम लोग को पता होगा एक ही कॉन्सेंट्रेशन ऐसा है जिसमें सॉल्वेंट आता है बाकी सब में तो सल्यूशन आता है सो कॉन्सेंट्रेशन इज बेसिकली आर रेशियो कॉन्सेंट्रेशन इज बेसिकली आर रेशियो जो हमें बताता है कि कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है कितना सल्यूट प्रेजेंट है गिवन सॉल्वेंट या सल्यूशन में जैसा कि मैं ये बता रहा हूं कि 10 ग्राम मैंने एस को डिजोल्व किया 5 ml या 5 लीटर वाटर में तो मैं तुम्हें उस सोल्यूशन की पावर बता रहा हूं कि इतना एससीएल डिजोल्व है इतने सॉल्वेंट में या इतने सोल्यूशन अब जितनी भी क्वांटिटी होती है वो एडिटिव होती है सो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल इज इक्वल टू इज इक्वल टू सल्यूशन अगर हमने बहुत डाइल्यूटेड सोल्यूशन लिया है डाइल्यूटेड का मतलब वीक वीक का मतलब जिसमें कम डिजोल्व किया गया तो डाइल्यूटेड में सल्यूट को ऑलमोस्ट निग्लेक्ट कर सकते हैं इन दैट केस सॉल्वेंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सल्यूशन सॉल्वेंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सल्यूशन। तो कहीं कहीं पर हम अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं कि सॉल्वेंट के मास को ही सल्यूशन का मास मान ले सॉल्वेंट के मोल को ही सल्यूशन के मोल मान लें या सोल्यूशन की वॉल्यूम को ही सॉल्वेंट की वॉल्यूम मान लें तो यहां पे देखो बच्चों जो भी हमारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आते हैं ध्यान से देखना सबसे पहला टर्म अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन अब जैसे मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं बिल्कुल ठीक वैसे ही तुम्हें भी कॉपी पेस्ट कर लेना है ये मैंने किया सेलेक्ट ये मैंने किया कॉपी एक बार दो बार तीन बार चार बार और पांच बार तो पांच कॉन्सेंट्रेशन टर्म तो बिल्कुल ऐसे ही है छठी बार भी कॉपी कर लेते चलो ये केस को छठी बार तो नाम तो बिल्कुल एक जैसे ये बेसिकली तुम्हें क्या दे रहा है ये तुम्हें रेशियो दे रहा है ना कि पल एक में कितना प्रेजेंट है अगर तुमने इस रेशियो को मल्टीप्लाई कर दिया हंड्रेड से तो ये तुम्हें बता देता है कि हंड्रेड में कितना प्रेजेंट है इसी को बोलते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय डिफॉल्ट यहां पे हमेशा मास बाय मास होता है मास बाय मास देखो सिंपल सा समझता बहुत सिंपल सी बात को समझना कि अगर मैं कहूं फाइव ग्राम प्रेजेंट है फोर्टी ग्राम में तो अगर मैं फाइव को फोर्टी से डिवाइड कर दूं तो इसका मतलब हो गया ना इतने ग्राम हो गया वन ग्राम में हुआ नहीं हुआ तो बेसिकली जब मैं डिवाइड कर तो मुझे वन की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि वन में इतना है अब में कितना है तो मल्टीप्लाई बाय टेन हंड्रेड में कितना है तो मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड थाउजेंड में कितना है मल्टीप्लाई बाय बाई तो जब मैं ये रेशियो लिख रहा हूं तो ये वन में बता रहा है सोल्यूट कितना प्रेजेंट है वन अमाउंट सोल्यूशन के वन ग्राम वन लीटर वन मोल कुछ भी हो सकता है टोटल अमाउंट कुछ भी हो सकता है तो वन में कितना प्रेजेंट है वो बता रहा है हंड्रेड से मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज बन गया अगर मैं इसे टेन टू दी पावर सिक्स से मल्टीप्लाई कर दू तो मुझे मिलियन में मिल जाएगा एक मिलियन में कितना प्रेजेंट है इसी को बोल देते हैं पीपीएम पीपीएम का टाइप कभी बोला नहीं जाता था इसलिए हमेशा मास पीपीएम लेते हैं परसेंटेज में लिखा होता है कि मास बाय मास यानी ऊपर मास नीचे मास मास बाय वॉल्यूम ऊपर मास नीचे वॉल्यूम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऊपर वॉल्यूम नीचे वॉल्यूम मोल बाय मोल ऊपर मोल नीचे मोल परसेंटेज तो में अलग अलग टाइप दिया जाता है पीपीएम में नहीं देते तो हमेशा मास पीपीएम निकालते हैं इसी को मैं टेन टू दी पावर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे इसी को अगर मैं 10 12 से कर दूं, तो मुझे ट्रिलियन में मिल जाएगा टेन टू दी पावर ट्वेल्व ट्रिलियन तो इसको बोलते हैं सोच लेना और अगर मैं वन में ही रहने दू तो वन की इंफॉर्मेशन को बोलते हैं फ्रैक्शन तो मुझे क्या मिल गया तो कभी भी निकालना हो तो सीधे जिसका भी फ्रैक्शन से डिवाइड कर फ्रैक्शन तो तो मिल जाएगा फ्रैक्शन में हमेशा लिखा रहता है मोल फ्रैक्शन इसलिए फ्रैक्शन में हमेशा ऊपर वाला मोल नीचे वाला मोल सल्यूट के मोल डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूशन सोल्यूट के मोल यानी सोल्यूशन के मोल और ऐसे ही ऐसे ही चलते चलते हम आ गए अगर अमाउंट को रिप्रेजेंट कर दें मास में और टोटल अमाउंट को रिप्रेजेंट कर दें वॉल्यूम में टोटल अमाउंट को किसमें रिप्रेजेंट कर दें वॉल्यूम में सॉरी अमाउंट को कर दें मोल में और टोटल अमाउंट को कर दें लीटर वॉल्यूम में तो इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को बोल दिया गया मोलैरिटी क्या बोल दिया गया मोलैरिटी इसी के लिए एक और फॉर्मूला बना दिया सल्यूट के मोल सल्यूशन की वॉल्यूम लीटर की जगह यदि एम में यूज करो तो ऊपर कन्वर्जन के लिए आ जाएगा थाउजेंड कन्वर्जन के लिए आ जाएगा थाउजेंड इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर या हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से अब अभी एक कुछ पुरानी बात बताऊं एक क्लास में पढ़ा रहा था तो कुछ बच्चों को बहुत समय तक इस एम बाय हंड्रेड का मतलब लगता था एम एक सिंबल नहीं है उन्हें लगता था एम कोई वेरिएबल है जो कट जाता है तो एम बाई हंड्रेड का बेसिक मतलब क्या है 1 by 100 मोल्स पर लीटर का तो एम यहां पे यूनिट होता है M यहां पे यूनिट होता है तो ये ऐसा ही मुझे डाउट दिखा था बच्चों के अंदर तो अभी समझ लो कि जब भी हम एम बाई हंड्रेड एम बाई हंड्रेड ऐसा कुछ लिखते हैं तो उसका मतलब वो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट है कैपिटल एम स्मॉल एम स्मॉल एम कैपिटल एम ये सब के सब कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट है इसी के साथ हमारा अगले दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म आते हैं मोलैलिटी अकेला कॉन्सेंट्रेशन टर्म जिसमें हम डिवाइड में डिवाइड में रखते हैं सॉल्वेंट की इंफॉर्मेशन किलोग्राम में यहां भी वही काम अगर ग्राम में लिखोगे तो इसको थाउजेंड से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कन्वर्जन के लिए और आता है नॉर्मैलिटी विच इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इक्विवेलेंस के बारे में बच्चों हम लोग रेडॉक्स चैप्टर में सीखेंगे सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगेन मिलीलीटर में तो थाउजेंड एंड दिस इज एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी सो नॉर्मैलिटी के लिए हमेशा मुलैरिटी से समझोगे तो ज्यादा आसान पड़ेगा अगर नॉर्मैलिटी को हमेशा मोलैरिटी से समझेंगे तो ज्यादा आसान पड़ेगा क्योंकि एन फैक्टर निकालना आसान काम हो जाता है तो निकाल के फिर फैक्टर कर वो ज़्यादा आसान है। लेन से जुड़ा हुआ अगली चीज आती है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब पे हम अमाउंट बदलो right? तो चाहे डिनोमिनेटर बदलो यानी सॉल्वेंट का अमाउंट बदलो चाहे डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन का अमाउंट यानी अगर मैं मिलाता हूं चाहे सॉल्यूट चाहे सल्यूशन चाहे सॉल्वेंट यानी चाहे मैं डाइल्यूशन करूं चाहे मैं एडिशन करूं चाहे मैं मिक्सिंग करूं अगर मैं कुछ भी चेंज कर, कर, रहा हूं सल्यूट या सल्यूशन में तो कॉन्सेंट्रेशन बदलेगा ही बदलेगा अगर मैं सिर्फ सल्यूशन को निकाल के अलग जगह ले जा रहा हूं तो नहीं बदलेगा तो ध्यान रखना कॉन्सेंट्रेशन रेशियो है न्यूमिनेटर बदलो डिनोमिनेटर बदलो वो चेंज होगा तो जब भी हम सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो उसका सिंपल फंडा यह है कि डाइल्यूशन में हम सल्यूट को ऐड नहीं कर रहे हैं, यानी कि सल्यूट की क्वांटिटी कॉन्स्टेंट रहेगी सल्यूट की क्वांटिटी चेंज नहीं होगी सो so, में हम कह सकते हैं एम वन वी वन एम वन वी वन इज बेसिकली मोल ऑफ सल्यूट बिफोर डाइल्यूशन, एम टू वी टू तो अगर सिर्फ डाइल्यूशन किया गया तो हम ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं वीवन इज टोटल वॉल्यूम बिफोर डाइल्यूशन V2 टू इफ टोटल वॉल्यूम मोलैरिटी के साथ जो भी वॉल्यूम होती, होती है टोटल होती है टोटल वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन अगर कभी पूछा जाए कितना सॉल्वेंट ऐड हुआ सो सॉल्वेंट एडेड पहले से V1 था V2 हो गया तो जो भी डिफरेंस है V2 टू माइनस वी

अगर तुम क्लास में ध्यान से सुनोगे और घर जाके प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिस करना मस्ट है बिना प्रैक्टिस के कुछ हासिल नहीं होता मिक्सिंग का मतलब जहां पे हम दो सल्यूशन को मिक्स करते हैं यानी कि दो सल्यूशन को ऐड कर देते हैं तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग कि मिक्सिंग होगी तो जितने भी सल्यूट होगा जितना भी सल्यूट ए और बी में होगा वही तो फाइनल सल्यूट होगा तो ए के सल्यूट को लिख सकते हैं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम मोल को हमेशा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं बी को लिख सकते हैं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम और फाइनल को लिख सकते हैं फाइनल मोलैरिटी और फाइनल वॉल्यूम भी तो ऐड हो जाएगी जब मिलाएंगे दस एम एल पचास एम मिलाया तो फाइनल वॉल्यूम सिक्सटी एम होगी या नहीं होगी तो यहां से हमारे पास मोलैरिटी आ जाएगी एम ए वी एम बी वी बी एम वन वी वन एम टू वी टू डिवाइडेड बाय वी वन प्लस वी टू सो दैट इज अवर इक्वेशन ऑफ मिक्सिंग सिर्फ मिलाया गया तो वाला फॉर्मुला तुम यही वाले हमेशा आगे बढ़ सकते जैसे से दूसरे में हो जैसे सिर्फ सोलवेंट मिला एम बी की जगह जीरो काम हो गया डाइल्यूशन इक्वेशन आ जाएगी तो अगर सिर्फ मिलाया गया तो भी तुम यही इक्वेशन यूज कर सकते हो तो इसी इक्वेशन से सारा काम चलाना चाहो तो इससे भी चलाया जा सकता है सारा का सारा काम इससे भी चलाया जा सकता है कॉन्सेंट्रेशन कन्वर्जन इसका मतलब वही क्वांटिटी कन्वर्जन की तरह यहां पे तुम्हें एक कॉन्सेंट्रेशन को दूसरे में बदलना है इसके भी कई तरीके हैं सिंपलेस्ट तरीका बता रहा हूं ये तीन फॉर्मूले मोलैरिटी परसेंटेज रिलेशन डी इज योर डेंसिटी एम बार इज मोलर मास ऑफ सल्यूट ये मोलैरिटी परसेंटेज कॉम्पोजिशन का कन्वर्जन है दूसरा मोलैलिटी मोलैरिटी कन्वर्जन और तीसरा मोल फैक्शन मोलैलिटी कन्वर्जन अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट ही बता रहा हूं देखो मैं तुम्हें सारांश का मतलब यह कि मैं तुम्हें उतना ही समझा रहा हूं जितना से तुम नीट में वन एटी बाईन लेटी का टारगेट है केमिस्ट्री में वही टारगेट हमें अचीव करना है बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट तो या तो हमें डायरेक्टली ये तीनों कन्वर्जन फॉर्मूले याद रखने है इनसे हम किसी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म को बदल सकते हैं या फिर कॉन्सेंट्रेशन की मीनिंग रखेंगे जैसे क्वांटिटी क्वॉंटिटी यानी जो पहला डायग्राम था उसी की मदद से काम करेंगे जैसे देखो कुछ क्वेश्चन देखते हैं पहले एक ऐसा क्वेश्चन है स्टोशियोमेट्री का द अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिस मच ऑफ हाइड्रोजन एट एस ऑन ट्रीटमेंट विद डायल्यूट एक्ट्रो एस जैसे तुम्हें रिएक्शन होते हुए दिख जाए सबसे पहले तो बैलेंस रिएक्शन लिखो जिंक की रिएक्शन एसिड के साथ कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है सॉल्ट बनाता है और गैस इवॉल्व करता है जिंक के बारे में पूछा गया है हाइड्रोजन के बारे में दिया गया है स्टोशियोमेट्री लगा दो जिंक के मोल बाय वन क्योंकि बैलेंस इक्वेशन में कॉफिशियंट वन है हाइड्रोजन के मोल बाय वन सो मोल ऑफ जिंक हो जाएगा मास ऑफ जिंक चाहो तो पहले मोल निकाल लो बाद में कन्वर्जन चलो पहले ऐसे कर लेते हैं डायग्राम बदल देंगे वन बाय वन मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन के मोल वॉल्यूम गिवन है टू टू फोर एम में गिवन है तो ट्वेंटी में बदल दिया मोल आ गया तो मास आ जाएगा मोल से कहीं भी जाना हो मल्टीप्लाई करके जिंक का मोलर मास क्वेश्चन में दिया है नहीं दिया तो पता होना चाहिए सिक्सटी फाइव ग्राम 0.65 ग्राम और ये मिल गया हमें आंसर तो अगर ये रिएक्शन होते हुए दिख रहे स्टोशोमेट्री लगाना है डायरेक्ट तरीका ये होता है कि अगर सपोज एक रिएक्शन है पी ए प्लस समथिंग 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 आर सी प्लस समथिंग 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 अगर तुम्हें ए की इंफॉर्मेशन चाहिए तो ए का कॉफिशन डिवाइडेड बाय जिससे निकाल ले उसका कॉफिशियन मल्टीप्लाई बाय उसकी इंफॉर्मेशन ये डायरेक्ट तरीका होता है लगाने का कि तुम्हें जिसकी भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसका इंफॉर्मेशन चाहिए जिससे इंफॉर्मेशनिशियंट मल्टीप्लाई बाय उसके ही मोल जिससे तुम निकाल लो। जैसे मैं अगर जिंक की इंफॉर्मेशन निकाल रहा तो जिंक डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन के मोल तो किसी भी बैलेंस इक्वेशन में बहुत डायरेक्टली तुम ये काम भी कर सकते हो जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है 10 ग्राम हाइड्रोजन 64 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और एक्सप्लोड कर दिया था, कितना वाटर बनेगा इस रिएक्शन में फटाफट रिएक्शन लिख लो टू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये मिलके देंगे टू वाटर। करेक्ट इस बार मुझे इन दोनों का अमाउंट गिवन है कभी भी एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएक्शन सबसे पहले कंपेयर करेंगे मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टू मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय वन तो हाइड्रोजन का हो गया टेन बाय टू यानी कि फाइव मास गिवन था, मोल में फटाफट बदल दिया मोल जब भी निकालना हो डिवाइड करके सिक्सटी फोर मास से मोल निकालना है तो उसके मोलर मास से डिवाइड ऑक्सीजन बोला गया बाय डिफॉल्ट ओ हाइड्रोजन बोला गया बाय डिफॉल्ट मॉलिक्यूल छोटी छोटी बातें याद होंगी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तब जाके वो बातें हमारी मेमोरी में फ्रेश होंगी सीधे सीधे दिख रहा है ये 2.5 ये 2 जो छोटा है वो लिमिटिंग रिएजेंट है जो भी इंफॉर्मेशन आएगी लिमिटिंग रिएजेंट आएगी क्योंकि वही तो रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है लिमिटिंग रिएजेंट ही तो रिएक्शन को रोक रहा है सो वॉटर के मोल अब देखो डायरेक्ट कैसे निकलते हैं वॉटर के मोल जिसके निकालने उसका कॉफिशेंट जिससे निकालना उसका कॉफिशियंट मल्टीप्लाई बाय उसके मोल ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है ये हमने ऑलरेडी टू सॉल्व किया नहीं तो दोबारा कर लेते तो वाटर के मोल कितना आ गया फोर वाटर के मोल कितना आ गया फोर तो डायरेक्टली हम बच्चों निकाल सकते हैं स्टोशियोमेट्री को यूज करके अगर लिमिटिंग रिएजेंट की यूज की जरूरत नहीं है तो बिना लिमिटिंग रिएजेंट की अगर जरूरत है तो लिमिटिंग रिएजेंट के यूज के साथ अगले क्वेश्चन पे आते हैं और समझते हैं जैसे देखो ये अलग हमें मोलारिटी मोल्स पर लीटर गिवन है डेंसिटी गिवन है रिसेंटली नीट में आया वो क्वेश्चन है मोलैलिटी पूछा गया है पहला तरीका क्या है मोलैलिटी इज इक्वल टू वन थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी डिवाइडेड बाय वन थाउजेंड बाय डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सल्यूट डायरेक्ट कन्वर्जन फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट आंसर आएगा और नीट में टाइम बचाना है तो डायरेक्ट आंसर तो निकालना पड़ेगा नीट में अगर टाइम बचाना है डायरेक्ट आंसर बच्चा लोग निकालना ही पड़ेगा लेकिन अगर मान लो तुम तो ये फॉर्मूला भूल गए और खाली बैठे हुए दीवार को देखने से तो अच्छा सॉल्व कर लो तो पूरा तरीका भी सीखने में कोई नुकसान नहीं है कैसे करते हैं सबसे पहले समझो टू मोल्स पर लीटर का मतलब क्या है कि टू मोल्स एन के हैं किसमें वन लीटर सॉल्यूशन में थाउजेंड एमएल सॉल्यूशन में क्या चाहिए मोलैलिटी मोलैलिटी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है फॉर्मूले में रखने के लिए सल्यूट के मोल सॉल्वेंट का मास तो सॉल्वेंट के मास पर कैसे पहुंचेंगे डेंसिटी गिवन है वेरी गुड डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम सो मास आ जाएगा किसका सल्यूशन का क्यों क्योंकि वॉल्यूम भी सोल्यूशन की पता है डेंसिटी भी सोल्यूशन की पता है 1.28 पॉइंट टू एट इन टू थाउजेंड तो यह आ जाएगा वन टू एट जीरो बट ये तो आया भैया टोटल मास ये आया भैया टोटल मास सल्यूशन का सल्यूट सॉल्वेंट मिला के तो जरा सल्यूट का मास देख ले सल्यूट का मास भी तो हमें पता है मोल मल्टीप्लाइड बाय है मास सल्यूट के मोल पता थे तो सल्यूट का मास आ गया सॉल्वेंट का मास कितना हो गया टोटल माइनस सल्यूट का मास यानी कि 1200 ग्राम 1200 ग्राम तो अगर देखा जाए मोल मिल गए सल्यूट का सॉल्वेंट का मास मिल गया मोलैलिटी आ जाएगी मोल ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का मास मल्टीप्लाई बाय क्योंकि ग्राम है तो किलोग्राम में बदलेंगे ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे और जरा मैच करके देखो क्या जो हमने फॉर्मूले से निकाला वही ये आ रहा है नहीं आ रहा है तो ये तरीका है कि या तो हम कॉन्सेंट्रेशन में क्वांटिटी कन्वर्जन करेंगे जो हमने पहले डायग्राम से सीखा है या फिर अगर हमें सीधे फॉर्मूला याद है तो उससे सॉल्व करेंगे तो ये डिपेंड करता है कि हम कितना ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे हमारी प्रैक्टिस पे एक ही वेराइटी के जितने ज्यादा क्वेश्चन हमने खुद से समझ समझ के सॉल्व किए होंगे उतना फायदा होने वाला है उतना हमें फायदा होने वाला है अगली बात आती बच्चो, है बच्चों वेपर डेंसिटी एंड मोलर मास वेपर डेंसिटी की जरूरत पड़ती है हमें मोलर मास निकालने में इसका मतलब होता है किसी भी गैस की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस और जब तुम इक्वल टू एनआरटी पढ़ लोगे तो समझ में आएगा डेंसिटी और मोलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक गैस की डेंसिटी और मोलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ दैट गैस मोलर मास ऑफ दैट गैस डिवाइडेड बाय टू मोलर मास ऑफ दैट गैस डिवाइडेड बाय टू और वेपर डेल्सिटी की जरूरत पड़ती है हमें इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने में विच इज नथिंग बट सिंपलेस्ट मोल रेशियो मॉलिकुलर फॉर्मूला हमें एग्जैक्ट मोल इंफॉर्मेशन देता है और इंपेरिकल फॉर्मूला हमें सिंपलेस्ट मोल रेशियो देता है तो इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हम सिंपलेस्ट मोलर फॉर्मूला ही निकालेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर आता है मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास और अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता चल गया तो जैसे ही हम इंपेरिकल फॉर्मूले को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं क्यों क्योंकि हमें पता चल गया ना कितने टर्म कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके मोलर मास आएगा मोलर मास मतलब मॉलिक्यूल तो जैसे हम इसको एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं ये बन जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये बन जाता है क्या बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो ये हमें समझना है देखो जैसे क्वेश्चन से समझते हैं चलो याला ले ले लेते हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है कार्बन का परसेंटेज है हाइड्रोजन का एम्पेरिकल फॉर्मूला चाहिए ध्यान से समझना कार्बन दिया हाइड्रोजन दिया कार्बन का परसेंटेज है थर्टी एट पॉइंट सेवन वन हाइड्रोजन का परसेंटेज है नाइन पॉइंट सिक्स सेवन अब साफ साफ दिखाए कि टोटल हंड्रेड तो आ नहीं रहा है और परसेंटेज में टोटल हंड्रेड आना चाहिए तो कभी भी अगर टोटल हंड्रेड नहीं आया हमें नहीं भी बताया गया तो भी बाय डिफॉल्ट हमेशा ऑक्सीजन मानते हैं तो ऑक्सीजन हो जाएगा पहले इनको ऐड कर लेते हैं थर्टी एट पॉइंट सेवन वन प्लस अगर माइनस करें तो ये आ जाएगा हंड्रेड माइनस करके फिफ्टी वन पॉइंट सिक्स टू फिफ्टी वन पॉइंट सिक्स टू सो दैट इज अवर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन तो सबसे पहले परसेंटेज इंफॉर्मेशन परसेंटेज बताया नहीं गया कौन सा तो डेफिनेटली कौन सा परसेंटेज होगा डिफॉल्ट ही है मास परसेंट यानी सिंपल हमें मास का के बने मोल में बदलेंगे कैसे इंडिविजुअल मोलर मास से डिवाइड करके कार्बन का ट्वेल्व हाइड्रोजन का वन राइट एंड इसका हो जाएगा फिफ्टी वन पॉइंट सिक्स टू डिड बाई ऑक्सीजन का सिक्स अब ये कितना आ जाएगा ट्वेल्व थ्री थर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन है और ये भी आ जाएगा थ्री पॉइंट टू टू थ्री पॉइंट टू टू ये हमें मिला मोल अब इस मोल को सिंपलेस्ट कैसे बनाओगे सिंपलेस्ट बनाने के लिए इसको सबसे छोटे मोल से सबको डिवाइड कर दो जैसे तुम सबको डिवाइड करोगे रेशियो में मिल जाएगा क्योंकि सबको डिवाइड कर रहे हैं सेम नंबर से और ऑटोमेटिकली वो एक इंटीजर बन जाएगा तो हमें सिंपलेस्ट मूल्य रेशियो मिल गया बच्चों वन थ्री वन यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्मूला होगा सी एच थ्री ओ तो इंपेरिकल फॉर्मूले के आज से, वैसे तो पांच छह साल से आया नहीं इंपेरिकल फॉर्मुला ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं बहुत टाइम से इंपेरिकल फॉर्मूले पर क्वेश्चन नहीं आए और आगे आने की उम्मीद भी कम है लेकिन अगर एम्पेरिकल फॉर्मुले पे कभी भी क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें हमेशा सिंपलेस्ट मोल रेशियो की तरफ जाना होगा इसी के साथ बच्चों ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है लेकिन इस चैप्टर से रिलेटेड अभी सारी चीजें खत्म नहीं हुई अभी तुम्हारा कुछ काम है कि इस चैप्टर का क्वेश्चन सेशन आएगा एक क्वेश्चन सेशन ही तो कॉन्फिडेंस आएगा उसमें करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन उसमें कुछ नए टॉपिक भी सीखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से ही अभी सिर्फ और सिर्फ एक क्विक रिविजन देना था क्योंकि ये देखा जाता है कि इस टाइम पे तो बच्चा बहुत बड़े बड़े लेक्चर देखता है वन शॉट के नाम पे दस दस बारह बारह पंद्रह पंद्रह घंटे के लेक्चर देख रहा होता है और कहीं ना कहीं अगर तुम मान लो पांच घंटे का एक लेक्चर देख रहे हो तो उसको तैयार करने में तुम्हारे दिन के दस बारह घंटे जाएंगे जो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास अभी है अगर तुम बेसिक्स जीरो से तैयारी कर रहे हो तो एक क्विक रिविजन करना चाहते हो तो उसके लिए लेक्चर सबसे ज्यादा एफिशिएंट है सबसे ज्यादा सफिशियंट है ऑलमोस्ट सारी नीट रिलेटेड बातें कवर होती है एंड देन क्वेश्चन के जरिए हम जल्दी से इस चैप्टर को अपने स्ट्रेंथन करेंगे तो जब तक क्वेश्चन सेशन आ रहा है तुम्हारा काम है कि इस चैप्टर के पी वाई क्यूज लगा लो एटलीस्ट फिफ्टीन से ट्वेंटी ईयर्स ओके एंड इस चैप्टर के फॉर्मुले की अच्छे से शीट बना लो फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला शीट बनेगी ताकि तुम उसको बार बार देख सको इसी फॉर्मुले शीट में इंपॉर्टेंट बातें लिखो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बच्चों ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड इस एंड टाइम में तुम्हें अपना हंड्रेड परसेंट देना है तो देना है यू हैव टू गिव योर वन हंड्रेड परसेंट एफर्ट एंड लेस्ट लीव इट Rest leave in the hand of Almighty. He is looking at you and definitely like us, he is in support of you. So your selection is determined by your honesty in your hard work and that should be there. तुम अपने hard work के लिए honest होने चाहिए, खुद से ईमानदारी रखोगे, जीवन में सफलता मिलेगी. आज नहीं तो कल मिलेगी, देर से मिलेगी, लेकिन मिलेगी definitely ये मेरा वादा है. तो मिलेंगे बच्चों अगले सेशन में पढ़ते हो धूम मचाते हो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट